प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों के बीच में आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जिनके बाद में टू का प्रयोग नहीं होता बल्कि उनके बाद में फोर का प्रयोग होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके बाद में टू का प्रयोग नहीं होता फोर का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको एक दूसरे उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं। देखो, हर हस्बैंड, सेंटेंस उतारो, हर हस्बैंड बॉट, हर हस्बैंड बॉट हर ए सारी। आइए लिख रहा हूं मैं, हर हस्बैंड बॉट हर ए सारी, एस ए आर आई। लिखो सेंटेंस, देखो गौर से, हर हस्बैंड बॉट हर ए सारी, उसका पति उसके लिए एक साड़ी लेकर आया। या आपने क्या देखा, हर हस्बैंड पूरा सब्जेक्ट है, कौन साड़ी लेके आया, हर हस्बैंड। हर हस्बैंड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर जो हर हस्बैंड शब्द है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दूसरा आपने क्या देखा, बॉट ये वर्ब है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है हर और आ रहा है सारी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर है ये किसका जवाब है, ये किसे का जवाब है, ये हुम का जवाब है, इसलिए ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई ओ। और क्या लेके आया साड़ी, ये वाट का जवाब है तथा निर्जीव है, ये होगा डी ओ। और आप देख रहे हैं कि जब इस सेंटेंस में एक साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो इस सेंटेंस की जो क्रिया है ये होगी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ये होगी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब आपको यह करना है कि मैं यहां क्रम उल्टा कर रहा हूं जैसा मैंने वहां किया था, इस सेंटेंस का भी मैं क्रम उल्टा कर रहा हूं जैसा मैंने वहां किया था। देखो आप, यहां मैं करूंगा हर हस्बैंड बोट, हर हस्बैंड बोट हर ए सारी, या ए और लगा दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं देखो, हर हस्बैंड बोट ए सारी, हर हस्बैंड बोट ए सारी, और यहां लगा दिया मैंने हर। देखो सेंटेंस गौर से देखो, यहां जब आपने क्रम उल्टा किया था तो बीच में टू लगाया था, यहां टू नहीं, यहां फोर आएगा, हर हस्बैंड बोट ए सारी फोर, यहां पर फोर का प्रयोग होगा, यहां पर फोर का प्रयोग होगा। जो समझाने वाली मुख्य बात है वो यह है कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ दिए हुए हैं तो उनमें से एक तो सजीव होगा और दूसरा निर्जीव होगा। जो सजीव होगा वो इनडायरेक्ट होगा और जो निर्जीव होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।